नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूँ अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। सोलन जिले के कुमारहट्टी में रविवार दोपहर बाद एक ढाबा अचानक बह जाने से अब तक 12 सैनिकों समेत 13 की मौत। मुख्यमंत्री ने किया मौके का जायजा और अस्पताल जाकर पूछा घायलों का कुशलक्षेम। प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकना तथा कानून की कड़ाई से लागू करते हुए अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है, न कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष का, कहा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने। सुजानपुर टेहरा में विद्युत विभाग में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विद्युत विभाग लोगों की जन समस्याएं हल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब डिवीजन में 85 पद सृजित, लेकिन 51 पद ही भरे गए। द मैग्नेट हमीरपुर निर्मला देवी मेमोरियल जनता स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का विजेता बनकर उभरा।